ओके तो भाई लोग, कल अपनी बात हुई थी जैसे कि हम एक नई गाड़ी लेने वाले हैं, वो भाई माफिया कार होने वाली है। हाँ। तो अभी बता दो। अभी ठीक है, इसमें बता दे रहा हूँ, अभी हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो S11 की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। ठीक है, अपना प्लान था कि पहले स्कॉर्पियो डाले या फिर फॉर्च्यूनर। ठीक है, तो अभी फाइनल हो चुका है, हो सकता है 60% स्कॉर्पियो की तरफ रहे, क्योंकि अभी हम इसीलिए जा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे, पूरी गाड़ी चेक करेंगे, पसंद आई तो स्कॉर्पियो आएगी। हाँ। उसके बाद फॉर्च्यूनर लेजेंडर आएगी और उसके बाद स्पोर्ट कार आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब अपना कॉन्वे जो पूरा करना है, तो सोचा आज आपको बता ही देते हैं। हम लोग जा रहे हैं स्कॉर्पियो S11 की टेस्ट ड्राइव के लिए, देखते हैं गाड़ी वगैरह कैसी होती है। भोकाल तो मतलब बहुत है, लोगों में क्रेज भी अच्छा खासा है उस गाड़ी का। ठीक है, देखते हैं। चलिए गाइस, अभी घर से हम लोग निकल चुके हैं। गाइस तो अभी खाने का वक्त हो रहा है, खाना भी पड़ेगा, नहीं तो अभी हमें भी चूल्हा फटाफट से वहां पर जाए और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले ले। फाइनल करनी है आज कि कौन सी गाड़ी लेनी है। चलो गाइस, तो खाना वगैरह हो चुका है अपना, अभी वापस से यहाँ से निकलते हैं, मतलब 2 या फिर 2:30 बज जाएंगे वहां पर पहुंचते हुए। यार आज नहीं सोचा था कि आज भी बारिश आ जाएगी, बट आ रही है और सारा मजा किरकिरा हो रहा है, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते हैं, हल्का सा बाहर जाओ भीग जाओ, मतलब मजा खराब हो जाता है उससे। अगर वैसे तुम लोगों से पूछा जाए कौन सी कार बेस्ट रहेगी तो क्या कहते हो? काला घोड़ा। डिसाइड नहीं हुआ है कि भाई स्कॉर्पियो ही ले रहे, बट हाँ अपना एक है कि स्कॉर्पियो लेंगे, मस्त मॉडिफाई करवाएंगे एंड बाद में लेंगे फॉर्च्यूनर, वो तो फिक्स ही है, तो लेजेंडर तो लेनी पड़ेगी भाई। गाइज वैसे कभी कभी बारिश का मजा अलग होता है और हर रोज बारिश के साथ जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भाई। चाय आई है, बट उसकी वजह से गाड़ी पूरी भीग जाएगी अंदर। तो भाई लोग, थार सही है गाड़ी, बट मतलब ऐसे सोचो ना तो कभी कभी आप परेशान हो जाओगे इससे, बट ठीक है चलो जो भी है, ये धमाकेदार गाड़ी। चलो तो चाय वगैरह हो गई, अब निकलते हैं वापस से, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। शोरूम बंद तो नहीं होगा ना आज? नहीं, बारिश की वजह से नहीं। 7 से 8 बजे तक खुला। चलो गाइस, फाइनली तो महिंद्रा के शोरूम आ चुके हैं और देखते हैं गाड़ी जो हमें यहाँ पर अवेलेबल मिलती है या फिर नहीं। सो गाइस, शोरूम में आ चुके हैं, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है गाड़ी, हमें जाना पड़ेगा स्टॉक यार्ड, वहां से हमें टेस्ट ड्राइव के लिए भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी है नहीं, डिस्प्ले में भी नहीं है, हमें जाना पड़ेगा स्टॉक यार्ड, वहां से हमें मिल जाएगी और बाद में आपको दिखाते हैं गाड़ी हम कैसी ले रहे हैं और कौन सी वाली ले रहे हैं। तो बस अभी जा रहे हैं अपन स्टॉक यार्ड पर, और किस गाड़ी में जाएंगे, हमारी तो अंदर रख दिया है। गाइस हमारी गाड़ी में कुछ सेल्फ का प्रॉब्लम था, क्योंकि आपको पता ही है हमने उसको कहाँ पर डाला था, पूरा भिगा डाला था, मतलब नदी में दबा दिया था, उसकी वजह से सेल्फ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जो भाई गाड़ी लेने गए हैं दूसरी वाली, वहाँ से चलेंगे स्टॉक यार्ड पर। ओह, तो ये है हमारी सवारी 7 डबल ओ गाड़ी, ये भी दमदार है ना विशाल भाई, जबरदस्त है। ठीक है गाइस, हमारे लिए बट यही ये नहीं है, आपको बताइए, क्योंकि अपने पास जो गाड़ी होनी चाहिए वो थोड़ी मतलब ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादा दिक्कत ना हो उसमें, बट ये कुछ टेक्नोलॉजी इसमें ज्यादा यूज हुई ना, सेंसर्स वगैरह ज्यादा है। ये तुम लोगों को कैसी लगी? ये भी अच्छी है, लेकिन क्या ना, सूट नहीं करते, फील नहीं है। नहीं मतलब अगर सिर्फ रोड पर चल रहा है ना भाई साहब, तो ये गाड़ी सच में धमाकेदार है। और गाइस यहाँ पर ये गाड़ी जो ऑटोमेटिक चल रही है। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं स्टॉक यार्ड पर। गाइस जो महिंद्रा के फैनबॉय है ना उनको खजाना दिखने वाला है सच में भाई साहब, ये भी गाड़ी धमाकेदार ही है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा वो जो माफिया वाली फील है वो चीज कहाँ गई भाई साहब। देख लो, पूरा स्टॉक यार्ड है गाइस, आप देख ही सकते हो, मतलब हर चीज यहाँ पर पड़ी हुई है महिंद्रा की, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप चाहते हो मतलब उठा लो बस। ये कैसी लगी? कलर तो यूनिक है इसका। गैस गाड़ी दमदार ये भी है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, अपना पहले यही मतलब मेरा दिमाग में घूम रहा था कि यही लेंगे, बट हम फिर सोचा कि क्लासिक की तरफ भी जा सकते हैं भाई साहब। लुक एट दिस गाइस, यहाँ से लेकर वहां तक जो वो पूरी स्कॉर्पियो है, लुक एट दिस, सबकी फेवरेट गाड़ी, एक दो नहीं भाई साहब वहां तक पड़ी हुई है, जो भी चाहिए। कलर भी है गाइस, ओए ये कुछ नया वाला कलर है, देखो गाइस जैसा कि अपने थार में है ना कलर, वो वाला है ये, देखो सेम कलर, हाँ ग्रे वाला है, फिर ब्लैक का तो कोई मुकाबला नहीं है, अपने वाला वहां पर धमाकेदार चीज है भाई ये है। हाँ
और ये बीच वाला फिर से बेस, ये बीच वाला और ये टॉप। अच्छा ये टॉप है ना। हाँ गाइज, तो ये गाड़ी है जिसका अपन जो टेस्ट ड्राइव लेने वाले है, देख लीजिए एक बार। गाइज आप बताना, स्कॉर्पियो की तरफ हो आप या फिर आप हो फॉर्चुनर लेजेंडर की तरफ। निकालने दो भैया को। ओके कैप्टन सीट वाला है गाइज, देख लो। मतलब बीच में सीट नहीं होती है यहाँ पर, एज यू कैन सी यहाँ पर दो लोग बैठते हैं और एक बंदा पीछे चला जाता है। मिसल भाई आपको कौन सी पसंद है, ये वाली या फिर एन? ओल्ड इज गोल्ड। हाँ सही है। वैसे भाई ये ऑटोमेटिक नहीं आती है ना? नहीं, इसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन, सिर्फ मैनुअल। अच्छा अभी हम ड्राइव करने वाले हैं, कैप्टन सीट तो नहीं लेंगे भाई साहब, देख लो। ओके गाइस, तो गाइस फर्स्ट ड्राइव में जो ड्राइव कर रहा हूँ वो ट्रिप है। लेट्स गो गाइस। फील तो थार वाली है ना विशाल भाई? सब कमांडिंग है, सब आपको सीटिंग मिलेगी। हाँ मतलब इसके लुक्स के लिए लोग पागल है ना, इसका हर एक यंगस्टर्स का ड्रीम है इस व्हीकल को परचेस करना। हाँ ये और थार सही है गाइस, सबकी भी यही है, विशाल भाई को भी यही पसंद है ना? बिल्कुल। मतलब सबकी पसंद है, कोई भी यंगस्टर हो या फिर कोई भी मतलब ओल्ड एज का बंदा हो, तो मतलब सबको गाइस ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आती है चलने में और ऐसे चलाने में। थार टाइप ही लग रही है गाइस, क्योंकि बिग साइज एसयूवी आप समझ रहे हो, तो सब जो सेम ही होती है, फील तो सेम ही आ रही है, बट भाई इसका जो लुक है ना उसी के लिए सब पागल है। ये डीजल है ना? डीजल। हाँ फिर भी गाइस ये काफी ज्यादा रिफाइंड है, ऐसा मतलब पहले तो थोड़ा सा वो होता था ना हमरिंग, हाँ वाइब्रेशन टाइप आता था, ऐसा फील आता था, बट अभी ये गाड़ियों में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। मतलब आप पता भी नहीं चलेगा आपको कि आप पेट्रोल वाली चला रहे हो या डीजल वाली, इतना ज्यादा रिफाइंड है। हाँ यार ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई, डिस्प्ले इसका बड़ा हो गया गाइस, देखो मतलब थार से तो काफी ज्यादा बेटर लग रहा है डिस्प्ले वगैरह भी। मतलब थार का थोड़ा सा वो है, मतलब उसको तो बनाया ऐसे ना ऑफरोडिंग के लिए, तो ऑफरोडिंग व्हीकल है। सॉरी टायर और सस्पेंशन बीच की जो स्पेस है हाँ वो थार में ज्यादा, इससे उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आती है, इतना कम्फर्टेबल फील होगा जितना इसमें। हाँ मतलब राइडिंग क्वालिटी भी गाइस इसकी थोड़ी बेटर लग रही है मुझे, मतलब बाकी गाइस महिंद्रा की गाड़ियों का आपको पावर वगैरह तो पता ही है कि पानी हो मतलब कैसे भी बाढ़ आ गए हो ना तो उसमें वो गाड़ियां चल रही होती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, देखा था तुमने? स्कॉर्पियो जा रही थी भाई ऐसे पानी में और सारी गाड़ियां जो उछल रही थी बाज में। ये तो यही है भाई, ये इसकी लेगेसी है गाइस महिंद्रा की, ये जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हो ना। सही है, गाना तो बजाओ, साउंड क्वालिटी देखे, थोड़ी सी कम है माइनस। भाई लोग आप बताना कैसा लग रहा है, भाई लुक तो बाहर से ही है भाई पूरा खतरनाक वाला। चलिए तो गाइज टेस्ट राइड जो वो हो चुकी है एंड यहाँ पर तो खजाना पड़ा हुआ है सारी गाड़ियों का, मतलब मजा आ गया देखकर कि इतनी गाड़ियाँ एक साथ में स्कॉर्पियो पड़ी हुई थी। गाड़ियाँ तो बहुत सारी है बट जो लेगेसी है ना गाड़ियों की वो अलग होती है। हालांकि आपको पता है स्कॉर्पियो जो क्लासिक फीचर वाइज थोड़ा सा जो कमज़ोर पड़ता है, बट फिर भी उसका लुक जो उसकी लेगेसी है वो अनबीटेबल है। अच्छा तुम लोगों को पसंद आई? फीचर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था। चलिए गाइस तो अभी जो हम ये भी चलाकर देख ही लेते हैं, क्या पता प्लान चेंज हो जाए। XUV700O गाइस, तो टेस्ट ड्राइव वगैरह तो हमने ले ली है बट अभी भी 19-20 का फर्क लग रहा है, मुझे नहीं पता है कि हम क्या डिसीजन लेंगे। मिसल भाई आप क्या कहते हो? गो फॉर स्कॉर्पियो क्लासिक S11 क्लासिक लेगेसी। हाँ यार बट अभी भी गाइस ठीक है सोचेंगे, अभी 10 दिन जाने देते हैं, हमारे पास इतना टाइम तो है, इतनी जल्दी भी नहीं है, और बाद में मतलब डिसाइड कर रहे कि हमें करना क्या है। चुनाव बाकी आप जो सोचते हो, मतलब स्कॉर्पियो एन की तरफ जाना चाहिए या फिर क्लासिक की तरफ, वो कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस अपना तो हो गया भाई, दिल टूट गया मेरा, सच बता रहा हूँ। बाहर से भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है स्कॉर्पियो, ठीक है ऐसे 10 गाड़ियां रखोगे ना तो मैं पहले उठाऊंगा, बट अंदर से भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर से नीचे बहुत ज्यादा है यार।
ये क्या कहते हो तुम लोग? मतलब वो हमने देखा ना अंदर से तो प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी चीप लगी। मतलब यार लोग बोलते हैं कि थार जो अंदर से ऐसी नॉर्मल आती है, चिप टाइप आती है, बट मैं बता दूंगा इस थार जो वो स्कॉर्पियो से तो बेटर ही है। ठीक है, बाकी और लेग स्पेस भी भाई साहब हम 100% फिक्स करके आए थे। बट फिर भी यार देखो, हम अगर लुक के लिए जाए ना तो हम वो ही लेंगे, बट अब अभी है ना इसने सोच में डाल दिया है, हमें डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे ही नहीं ले लेंगे अभी। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। यार आज एक लफड़ा हो गया गाइस, पता नहीं क्या हुआ, आज गाड़ी 100 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 2000 रूपए का पेट्रोल निकल गई। या तो तुम्हें चुना लगा या फिर पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं लगाया। वो है ना एक पंप है, अभी उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहां से जब भी भराते हो ना भाई, गाइस सच बता रहा हूं, टूट जाती है। 100 किलोमीटर 2000 रूपए का 20 लीटर पेट्रोल भाई, आप समझ रहे हो, सिर्फ 100 किलोमीटर चला। अभी हम गए ना तभी डलवाया था, वापस आते आते ऑलमोस्ट खत्म हो गया।